एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली फंडा सॉल्यूशन। मैं हूं नीलम। फ्रेंड, कई बार हमें कुछ फंक्शन अटेंड करने होते हैं और फिर फंक्शन में ये होता है कि हमें मेहंदी लगाना है, पर हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि हम मेहंदी को लगाकर एक दो घंटे के लिए बैठें। और हम सोचते हैं कि काश कोई ऐसा नुस्खा, ऐसा टिप्स मिल जाए जिससे हम मेहंदी को थोड़ी देर के लिए अपने हाथों पे लगाएं और फिर उस टिप्स को फॉलो कर लें और हमारे जो मेहंदी का लाइट कलर है वो डार्क हो जाए। और फ्रेंड, कुछ लोग मेहंदी को काफी देर तक लगा के भी रखते हैं तो भी उनके हाथों में मेहंदी का जो डार्क कलर है वो नहीं आ पाता है। तो आज इस वीडियो में गाइज, मैं आपको कुछ ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जिनका यूज करके आप अपने हाथों की जो लाइट कलर की मेहंदी है उसका कलर आप डार्क कर सकते हो। यानी कि अगर आपके हाथों में मेहंदी का रंग उतना अच्छा नहीं रचता है तो आप उस नुस्खे को, आप उस टिप्स को फॉलो करके अपने हाथों पर लगी हुई लाइट एंड मेहंदी का रंग जो है उसे डार्क कर सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिनका इस्तेमाल करके आप अपने हाथों की मेहंदी के रंग को चटक कर सकते हो और ये बहुत ही आसान नुस्खे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। आप कलर देख सकते हो मेरे हाथों में इतना ज़्यादा लाइटन है और जो मेहंदी है मैंने उसको रिमूव कर दिया है और उसका इस तरह से पीला पीला सा लाइट कलर मेरे हाथों पर चढ़ा हुआ है। और अब मैं इसको डार्क करूँगी। तो इसको डार्क करने के लिए गाइस, सबसे पहला जो नुस्खा मैं यूज करने वाली हूँ वो है लॉन्ग क्लच। लेकिन लॉन्ग का हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब। हमें यहाँ पर 4 से 5 लॉन्ग लेना है तो हमने लॉन्ग को ले लिया है और इसको मैंने गैस पर, तवे पर रख दिया है। सो फ्रेंड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइज, लौंग का धुआं निकलने लगा है तो इसके धुएं में मैं अपने हाथों को सेकूंगी। और बीच बीच में इसको चलाते रहें ताकि इसका जो धुआं है वो ऊपर तक उठे। इस तरह से फ्रेंड, आपको 7-8 लौंग को तवे पर रखकर उसके धुएं से अपने हाथों की सिकाई करनी है। इससे आपके हाथों पर लगी हुई मेहंदी का जो लाइट कलर है वो डार्क हो जाएगा। कुछ देर ऐसे ही छोड़ देना, उसके बाद ये कलर जो है डार्क हो जाता है। अब तो फ्रेंड चलिए चलते हैं दूसरे टिप्स की तरफ। उसके लिए हमें लेना है चूना। चूना जो खाने वाला होता है आप पान की दुकान से इसको ले सकते हो। चूना सूखा है तो इसे आप थोड़ा सा पानी डालकर गीला भी कर सकते हैं। चूना जो होता है हमारी मेहंदी के कलर को तुरंत ही डार्क कर देता है और आप देख सकते हो लगाते लगाते ही मेरे हाथों की जो मेहंदी है वो डार्क हो गई है और इसको मैंने आधे हाथ पे लगाया है। सो फ्रेंड, आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पर अभी मैंने चूने का यूज नहीं किया है और यहाँ पर मैंने चूने का यूज किया है और यहाँ की जो मेहंदी का कलर है वो डार्क हो रहा है। तो इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आप चाहें तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हो। आप जितनी ज्यादा देर तक चूने को मेहंदी पे लगा के छोड़ोगे मेहंदी का कलर उतना ही ज्यादा डार्क होगा। सो गाइज, हमें थर्ड टिप्स के लिए लेना है विक्स। विक्स वेपोरप जो हम सर्दियों के लिए यूज करते हैं, इसकी जगह पे आप बाम का भी यूज कर सकते हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा विक्स लेंगे और इसे हम बाकी की जो जगह जहां पर मैंने चूना का यूज नहीं किया वहां पर मैं विक्स लगाऊंगी। आप बाम भी लगा सकते हो, जो सरदर्द के लिए, कमर दर्द के लिए हम बाम यूज करते हैं वो बाम या विक्स आप यूज कर सकते हो। ये हर घर में अवेलेबल होता है। तो हमें इसको लगाकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड, मैंने अपने हाथों को क्लीन कर लिया है और अब आप देख सकते हो मेहंदी का रंग कितना ज़्यादा डार्क हो गया है और जब मैंने मेहंदी को छुड़ाया था कितना उसका लाइट कलर था। अगर आपकी मेहंदी थोड़ी सी और ज़्यादा डार्क चढ़ी होती है तो इन टिप्स का यूज़ करने के बाद मेहंदी और ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड।